हाय गाइस, वेल्कम टू ऑल मोबाइल सॉल्यूशन। माय नेम दिलशाद हुसैन। दोस्तों, हरियाणा से ये पार्सल आया, इसको ओपन कर लेते हैं और आपको बताए कि कैसा ये फ़ोन रिपेयर होता है। तो दोस्तों, जिस तरीके से पार्सल आया, आप भी अलग स्टेट से देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो बेफिक्र होकर भेज सकते, कोई भी स्टेट से बना कर मिल जाएगा। एंड्रॉयड आईफोन कोई भी प्रॉब्लम रहेगा, और डिस्क्रिप्शन में एड्रेस नंबर लिखा है, कुछ इंक्वायरी है तो आप पूछ भी सकते दोस्तों। तो इसको ओपन कर लेते, क्या प्रॉब्लम है सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। इसके अंदर आप देखेंगे एक्सेस टू 13 प्रो ग्रीन कलर का हाउसिंग रिप्लेसमेंट करना है, हाउसिंग भी आपको रिप्लेस करना है तो दोस्तों आपको मिल जाएगा, और कुछ और प्रॉब्लम रहेगा तो वो भी फिक्स हो जाएगा। पीछे का बैक गिलर डैमेज है, पावर ऑन नहीं हो रहा, बैटरी लो है तो चार्ज कर लेता है, फिर डैमेज हो जाता। दोस्तों, मैं चार्ज कर लिया, बैक गिलास इसका डैमेज है और इसका डिस्प्ले रिप्लेसमेंट हुआ है। तो ऑलरेडी इसके अंदर जो 13 प्रो रिप्लेस कर रहे थे, अभी डीप पर्पल 14 प्रो जो लेटेस्ट कलर है उसको रिप्लेस करेंगे। इसके साथ वाटर रेजिस्टेंस सील और बैटरी का स्टिकर आता है। तो इसके अंदर आपको जो स्क्रू रहेगा नीचे से दो ओपन कर लेना है, और फिर वाटर रेजिस्टेंस जो सील होती है उसको ओपन करना रहेगा। आपको टेम्परेचर एकदम हीटिंग करके आपको निकालना रहेगा, जब भी आपका डिस्प्ले एकदम केयरफुली एकदम सेफ्टी से निकलेगा। ये निकालने के बाद आप देखेंगे तो डिस्प्ले रिप्लेसमेंट हुआ है, तो जितने स्क्रू अंदर के स्टील निकाल लेना है जो ऊपर ग्रिप देता है, और वो निकालने के बाद डिस्प्ले टच और स्पीकर का जो स्ट्रिप होता है वो निकाल लेना है। डिस्प्ले क्लीन करने के बाद ही आपको बिठाना रहेगा। इसके बाद ये जितने पार्ट्स है सब ओपन कर लेता हूँ मैं, क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा, इसके लिए शॉर्ट में बता रहा हूँ। दोस्तों, सिम स्लॉट निकालना जरूरी है, जब भी मदरबोर्ड आपका निकलेगा पूरा स्क्रू रिमूव कर लेना है, बैटरी रिमूव कर लेना है, बैटरी का जो स्टिकर है बाद में लगा लेना है दोस्तों। और जितनी स्ट्रिप है जितना आप देख रहे होंगे पूरा ओपन करना रहेगा और एकदम केयरफुली करना रहेगा। जितनी भी स्ट्रिप आप देख रहे होंगे फ्लेक्सिबल ये रहता है, कैसा डेलिकेट होता है, इस वजह से ज़्यादा फास्ट नहीं करना है आपको। नॉर्मल हीटिंग करके आपको निकालना रहेगा, या केमिकल रहेगा तो केमिकल से रिमूव करना रहेगा। फेस आईडी निकल गया है दोस्तों। इसके अंदर कैसा ज़्यादा कैमरा, सेल्फी कैमरा, डॉट प्रोजेक्टर जो होता है वो ध्यान देके करना रहेगा, नहीं तो आपका कैमरा वर्किंग नहीं होगा। यह होने के बाद आपको क्या करना रहेगा, ये फ्रिक्वेंसी का नेटवर्क और जो वाईफाई नेटवर्क एंटीना होता है वो दिया है कॉर्नर के तरफ, ये दोनों रिमूव करने के बाद ही आपका मदरबोर्ड रिमूव होएगा। मदरबोर्ड निकलने के बाद जो 14 प्रो में कन्वर्ट करेगा, सेम जैसा एक्सेस का वैसे सेम टू सेम आपको फिट करना रहेगा। आपको मैं बॉडी भी बता देता हूँ, ऑलरेडी ये ओरिजिनल पार्टी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, डुप्लीकेट नहीं है, सेम टू सेम रहेगा। आईफोन एक्सेस टू 14 प्रो में डीप पर्पल रिप्लेस करेंगे, ये साइड में रख देता हूँ। उसके बाद आपको मदरबोर्ड बिठाना रहेगा। मदरबोर्ड एकदम परफेक्ट बैठना चाहिए, जहाँ स्क्रू इस पे सेंटर पे बैठने के बाद ही आपका स्क्रू टाइट होगा। कभी अप डाउन बैलेंस होता तो देख के आपको करना, ज़्यादा टाइट नहीं करना, जहाँ आपको लगता है बैलेंस वहाँ रुक जाना, नहीं तो मदरबोर्ड कैसे शॉर्टिंग होगा या कुछ वर्किंग नहीं होगा, ये प्रॉब्लम आएगा। ये फिट हो चुका है दोस्तों, आप देखेगा तो एकदम परफेक्ट। अब क्या करना है, सिम स्लॉट डाल के चेक कर लेना एक बार। कभी कभी क्या रहता है, स्क्रू फिट करते या आप सिम स्लॉट डालते तो कभी जाम हो जाता, टाइट हो जाता, तो उस वजह से जब आप निकालेगा एडजप्टर से तो ओपन नहीं होता सिम स्लॉट। तो एकदम फ्री है, कंफर्टेबल है, नेटवर्क आएगा, सब कुछ है। और कैमरा आप बिठा लेना, बैक कैमरा इसको क्लीनिंग कर लेना, कभी ग्लास के अंदर लेंस के अंदर कचरा रहता है तो उसमें दिखेगा, तो ये क्लीनिंग हो गया दोस्तों। फेस आईडी आपको परफेक्ट बिठाना है। कैमरे की साइड आप देखेगा तो दोनों तरफ से पुश करके स्टिक बिठाना रहेगा। ये बैठने के बाद क्या आएगा दोस्तों वो बताता हूँ मैं आपको, जो बैटरी रहेगा बैटरी का स्टिकर बिठा के बैटरी आपको बिठाना रहेगा। बैटरी जो मदरबोर्ड पे बिठाने के बाद ही परफेक्ट बैठेगा दोस्तों, डायरेक्ट नहीं बिठाना, नहीं तो स्ट्रिप ऊपर नीचे होगी तो बराबर कनेक्टर बैठेगा नहीं। वाटर रेजिस्टेंस सील्स होती है वो बराबर बिठा लेना, वो भी। डिस्प्ले क्लीन कर लिया, आजू बाजू का जो बॉर्डर रहता है उसके बाद आपको लेफ्ट और राइट की तरफ प्रेस करके केयरफुली बिठाना रहेगा। डिस्प्ले का स्ट्रिप दबे नहीं, या डिस्प्ले ब्लैकआउट हो सकता है, टच पैड वर्किंग नहीं करेगा। ये होने के बाद क्या रहेगा, दो स्क्रू बिठाना रहेगा। ये सब पूरा फाइनली होने के बाद कैसा रहता मैं आपको मोबाइल ऑन करके इसके जो फंक्शन होता वो भी आपको बताऊंगा, क्या वर्किंग हो रहा नहीं हो रहा। और ऐसा नहीं आप कन्वर्ट करेगा तो कुछ वर्किंग नहीं होगा, 100% हर चीज़ वर्किंग होता है दोस्तों। मेन इम्पॉर्टेंट क्या रहता है इसके अंदर, टॉर्च का बोलते हैं, टॉर्च चल रहा है नहीं चल रहा, वो चलेगा,
सेटिंग में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बैटरी हेल्थ भी सेम है। फेस आईडी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फेस आईडी भी वर्किंग हो रहा है दोस्तों। रिंगटोन भी परफेक्ट है, हर चीज़ ही चलेगा, ऐसा नहीं है कुछ इसके अंदर कमी रहेगा। आप कन्वर्ट करेगा, कुछ भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें।